नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TV91 पर। दोस्तों, सबसे मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में गजब का VFX देखने को मिला। गजब का ट्रेलर है। आपको बता दें कि इसकी स्टार कास्ट की जो एक्टिंग है वो दमदार है। आलिया और रणबीर का केमिस्ट्री भी जबरदस्त देख रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म का ट्रेलर से ही देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो वो अमिताभ बच्चन का शानदार भरा हुआ आवाज़ देखने को सुनने को मिलता है। अमिताभ बच्चन की शानदार एक्टिंग देखने को मिलती है। रणबीर कपूर का क्लास देखने को मिलता है। तो वही मौनी रॉय जो नागिन में करती दिखी थी वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी जो है वो सिनेमाघरों में 9 सितंबर को आ रही है और धमाका होने वाला है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बॉलीवुड की वो फिल्में 400-500 करोड़ कमाती थी, वैसा ही हाल ब्रह्मास्त्र को आने के बाद होने वाला है। फिलहाल तो ट्रेलर रिलीज हुआ है, चलिए इसका रिव्यू आपको देते हैं। तो जबरदस्त है, जहां पर शुरुआत हुई है वहां पर अमिताभ बच्चन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रह्मास्त्र को। जैसे वो बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है वो महाभारत और रामायण में हमने जहाँ देखा है वहाँ पर जो बताया जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र जो है वो शस्त्रों का बाप होता है, यानी कि सबसे बड़ा शस्त्र होता है, वैसा इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको देखने को मिला। एक भरी हुई आवाज़ जो है वो सुनने को मिलेगी और दमदार लग रहा है। वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र को। इसके बाद शिवा की बारी आती है, जो इस फिल्म में रणबीर कपूर जो हैं वो इस रोल में दिखने वाले हैं। शिवा जो हैं वो अपने आप में एक शस्त्र होता है, जिसके पास अग्नि शस्त्र होता है, जिससे वो अग्नि में कूद जाए फिर भी वो जलता नहीं है, उसका अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इस शिवा का जो है वो रिलेशनशिप या लव स्टोरी दिखाई गई है आलिया भट्ट के साथ, और ज़बरदस्त केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में दिख रही है। साथ ही साथ डायरेक्टर ने ज़बरदस्त एक्शन के बीच में ज़बरदस्त लव स्टोरी डाल दी है, जो एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और शानदार फिल्म लग रही है। ये पूरी स्टोरी है वो ज़बरदस्त है। मौनी रॉय जो है वो इस फिल्म की विलन है और धमाका करती दिख रही है। नागिन सीरियल में जैसे आपने मौनी रॉय को देखा था, उससे भी ज़बरदस्त अवतार में इस बार दिख रही है। वो मौनी रॉय जो है वो ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी है। साथ ही साथ नागार्जुन का भी रोल इस पिक्चर में ज़बरदस्त है। इस ट्रेलर की बात करें तो ये दमदार ट्रेलर है। इसे देखने वाला हर कोई चाहेगा कि वो ब्रह्मास्त्र को एक बार तो देखें। ट्रेलर में आपको बता दें कि VFX जो है वो ज़बरदस्त है, किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं दिख रही हैं ब्रह्मास्त्र। ज़बरदस्त VFX, ज़बरदस्त एक्शन, साथ ही साथ क्या बताएं, ज़बरदस्त फैन हो गए हैं ब्रह्मास्त्र के और ज़बरदस्त है ये फिल्म। तो मेरा यही मानना है कि ये ज़बरदस्त रिव्यू जो रिव्यू हम दे रहे हैं आपको ब्रह्मास्त्र ट्रेलर रिलीज़ का, ज़बरदस्त ट्रेलर है ये। ट्रेलर देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि शायद एक बार तो ब्रह्मास्त्र देखने ही चाहिए। गजब का VFX, गजब का एक्शन, गजब की लव स्टोरी, गजब की स्टोरी भी देख रही है। यहाँ पर जो मौनी रॉय डेविल बनी है वो ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी है। अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी एक ज़बरदस्त अवतार में दिख रहे हैं। जैसे आपने वो फिल्म देखी थी वो नाग वाली, इच्छाधारी नाग वाली, वो उस तरह की स्टोरी देख रही है, जहाँ पर इच्छाधारी नाग के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसके सामने वो प्रोफेसर जो होता है वो ऐसी शक्तियाँ ढूंढ कर लाते हैं जो इसका मुकाबला कर सके। वैसा ही डेविल बने मौनी रॉय के पास भी ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं। रणबीर कपूर के पास अलग शक्ति है, नागार्जुन के पास अलग शक्ति है, लेकिन इन सब में सर्वोपरि अमिताभ बच्चन हैं, जो एक प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं। वो शिक्षाधारी नाग वाली फिल्म में जो प्रोफेसर का रोल निभा रहे थे, वैसा ही वो इन सभी शक्तियों को कलेक्ट करेंगे, उसको ब्रह्मास्त्र बनाएंगे और जो डेविल हैं उन पर प्रहार करने वाले हैं। तो ज़बरदस्त भयानक फिल्म है और जो ट्रेलर है उससे देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल वीडियो में बस, नए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और भी बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए। जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।